आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इतिहास फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, ये पिछले साल का पूरा मॉडल पेपर है, ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतिहास में किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आते हैं, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ, जिन स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भी नहीं आते, यानी कि सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आने लिखने वाला आता है, ठीक है, रिटर्न, तो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाइए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऑब्जेक्टिव आते ही नहीं है, तो उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे ही मिलेगा कुछ, ठीक है, उसमें आप लोगों को टाइम भी दिया होगा, पूर्णांक भी दिया होगा, और बीए फर्स्ट ईयर आप देख ही सकते हैं यहाँ पर लिखा ही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग ने देख लिया, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए, अथवा करके दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के नगर योजन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आपको जिसके बारे में अधिक नॉलेज है उसके बारे में आप लिखिएगा, इसमें से एक ही करना, चाहे आप ये करिएगा चाहे ये करिएगा, आपको नंबर एक ही के मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम आपको 4 से 5 पेज में लिखने हैं, ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय हैं, आपको थोड़ा लॉन्ग में ही लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म पर लेख कीजिए। ठीक है, तो अशोक के धर्म पर आपको लेख लिखना है। अगर आपने मार्केट से सीरीज़ तो खरीदी ली होंगे, अगर नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए प्लीज़, क्योंकि उसी में ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है, लिखने वाला क्वेश्चन है ये, आंसर उसका आप लोगों को लिखना है। तो अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे, उसके कारणों को स्पष्ट कीजिए, इसका वर्णन कीजिए, उपलब्धियों के समझाइए, ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना, उसके बाद अथवा करके है, हम अथवा वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अथवा ये अगला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को पढ़ लीजिए, पुण्यमित्र सुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पुष्यमित्र की उपलब्धियों का वर्णन करना है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां हैं उनके बारे में आप लोगों को लिखना है। आई होप ये सारे क्वेश्चन, अगर आप यही सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो इसमें से आप लोगों को एक दो क्वेश्चन, ठीक है, 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अथवा करके गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों पर प्रकाश, यानी आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब में लिखना है, प्रकाश का मतलब आप लाइट वो नहीं डालना है, प्रकाश का मतलब उसके ऊपर थोड़ा आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत राज्यों के पतन के उत्तरदायी तत्वों पर लेख लिखीजिए। ठीक है, लेख लिखना है आप लोगों को, राजपूतों के राज्य के पतन के उत्तरदायी तत्वों पर, तो ये लिखिएगा। उसके बाद अथवा करके, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो क्या विशेषताएं थी, आई होप मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन लिख लेंगे, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ, तो ये वाला कर लीजिएगा, ये मत करिएगा, क्योंकि एक ही नंबर मिलने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को विस्तृत उत्तरीय में कुछ, मतलब कि जो आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन होंगे, इसमें तो 5 है फिलहाल, और इस बार हो सकते 6-7 हों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, और कोई क्वेश्चन 15 का नंबर का होगा, कोई 10 नंबर का होगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर होंगे। तो आई होप अगर आप 6 क्वेश्चन आते, 6 में अगर 4 कर ले जाते तो आप फर्स्ट ग्रेड से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने कोई आवश्यकता नहीं, बस आप पढ़ाई करिए, ये सारे क्वेश्चन देख ही लिए हैं, किसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं।
ठीक है, पांच ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप, ये तो फर्स्ट पेपर था यानी कि प्रथम इतिहास का, अगर सेकंड पेपर की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है हिंदी न्यूज़, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उस पर भी आपको अच्छी वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो यही जानकारी देनी थी इसलिए वीडियो बनाई। ठीक है, आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।